नमस्कार प्रचेष्टा यूट्यूबर पक्ष थेके सबाइके स्वागत। आज शुरू करब नवम श्रेणीर कोर्से थेके 15.1। आमरा एर आगेर दिन आलोचना करेछि त्रिभुज और चतुर्भुजेर परिसीमा एवं क्षेत्रफल संक्रांत सूत्रगुलो जेनेछि एवं किछु अंक आमरा जेनेछि। आज तारपर थेके आमरा शुरू करब, अर्थात 4 दागा एवं 5 दागा अंक आमरा करब। एखे बला आछे प्रति वर्गमीटारे 3 টাকা 50 পয়সা हिसाब से समरदेर एक वर्गाकार जमी चाष करते खरच होच्छे 1400 टाका। प्रति मीटारे 8 টাকা 50 পয়সা हिसाब से जमिटी चारधार बेड़ा दीते कत खर्चा होबे, अर्थात प्रति वर्गमीटारे खर्चा आमादेर 3 টাকা 50 পয়সা। मोट खर्च कत, ताहले जमिटी चाष करते मोट खरच होच्छे, जमिटी चाष करते मोट खरच 1400 টাকা देवा आछे आमादेर। आर प्रति वर्गमीटारे खर्चा कत, प्रति वर्गमीटारे खरच आमादेर 3 টাকা 50 পয়সা। अर्थात वर्गाकार जमिटिर क्षेत्रफल आमरा एखान थेके पेये जाब। वर्गाकार जमिटिर वर्गाकार जमी आछे, वर्गाकार जमिटिर क्षेत्रफल समान होच्छे 1400 डिवाइड बाई 3.50 एत वर्ग मीटार। सात दुए 14, 7 5 35, 5 4 20, अर्थात 400 वर्गमीटार। तो हमारे वर्गाकार जमिटिर क्षेत्रफल पे गेलाम 400 वर्गमीटार। अर्थात हमारा प्रत्येकटी बाहुर दैर्घ्य हमें निर्णय करते पारबो। एरपर अर्थात वर्गाकार जमिटिर प्रतिटी बाहुर दैर्घ्य √400 मीटार हो जाए, अर्थात 20 मीटार होच्छे आमादेर वर्गाकार जमिटिर प्रत्येकटी बाहु पेये जाबो आमरा 20 मीटार करे। एरपर आमादेरके कि বার করতে বলেছে, জমিটির চারধার বেড়া দিতে কত খরচা হবে। 1 মিটারে খরচা হচ্ছে 8 টাকা 50 পয়সা। অর্থাৎ আমাদের চারধারের পরিসীমাটা আমরা বার করব। অর্থাৎ জমিটির বর্গাকার জমিটির পরিসীমা আমরা পরিসীমা সমান কি জানি, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে 4 × 1 বাহুর দৈর্ঘ্য 4 × 20 মিটার, अर्थात परिसीमा समान होच्छे 80 मीटार। अर्थात चारधार बेड़ा दीते मोट कत खर्चा हबे, प्रति मीटार बेड़ाते कत खर्चा, प्रति मीटार बेड़ा दीते खरच आमादेर 8 টাকা 50 পয়সা। मोट बेड़ा दीते कत खर्चा हबे, बेड़ा दीते खरच हबे 80 मीटार হচ্ছে আমাদের পরিসীমা। 80 × 8 টাকা 50 পয়সা, সরি 80, তাহলে আমাদের কত হচ্ছে 80 × হচ্ছে 8.50। 8 8 5 40 0 4 8 64 68 680 টাকা। অর্থাৎ আমাদের মোট বেড়া দিতে খরচা হচ্ছে 680 টাকা। এরপর আমরা চলে আসবো পরবর্তী অঙ্কে। অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রাকার একটা জমি আছে, তার হচ্ছে ক্ষেত্রফল 500 বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমলে এবং প্রস্থ 2 মিটার বাড়লে জমিটি বর্গাকার ধারণ করে, অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। তো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ নির্ণয় করতে হবে। তাহলে ধরে নেব, প্রথমে ধরি জমিটির দৈর্ঘ্য সমান x মিটার আর জমিটির প্রস্থ সমান y মিটার। প্রস্থ সমান হচ্ছে y মিটার। অর্থাৎ জমিটির ক্ষেত্রফল কত হবে, জমিটির क्षेत्रफल समान xy वर्गमीटार। जमिटिर क्षेत्रफल दिया 500 वर्गमीटार। अर्थात शर्ते कि हबे xy समान 500। एर परवर्ती शर्त आमादेर कि दिया आछे, जमिटिर दैर्घ्य यदि 3 मीटार कमे, जमिटिर दैर्घ्य 3 मीटार कमले दैर्घ्य कत हबे, दैर्घ्य हबे আমাদের ছিল x মিটার x -3 মিটার। एवं प्रस्थ जमिटिर प्रस्थ प्रस्थ दो मीटर बाढ़ले प्रस्थ दो मीटर बाढ़ले प्रस्थ कत होबे प्रस्थ होबे समान वाई प्लस टू मीटार तखन आमादेर क्षेत्रफल कत होबे सरि क्षेत्रफल नय तखन जखन दैर्घ्य दो मीटर तीन मीटर कमबे और प्रस्थ दो मीटर बाढ़बे तखन जमिटी हये जाबे आमादेर वर्गाकार अर्थात दैर्घ्य और प्रस्थ समान हये जाबे तो शर्ते आमरा कि लिखबो ना एक्स माइनस थ्री समान वाई प्लस टू एटा तखन आमादेर वर्गक्षेत्र आकार जमिटा धारण करबे बा एक्स समान ताहले कत होबे वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री प्लस टू बा एक्स समान वाई प्लस फाइव एटा दो नम्बर समीकरण यदि आमरा करी आगेरटा एक नम्बर समीकरण एक्स समान एटा बसिए दिच्छी एक नम्बर समीकरणे एक्स समान वाई प्लस फाइव बसिए पाई एक्स वाई समान 500 बा वाई प्लस फाइव इंटू वाई समान 500 बा वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस 500 समान होच्छे जीरो आमरा एरपर क्यालकुलेशनटा करब वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस 500 समान जीरो बा वाई स्क्वायर प्लस 500 टाके भांगले फाइव वाई अर्थात 25 वाई माइनस 20 वाई माइनस 500 समान जीरो बा वाई कमन निलाम वाई प्लस 25 इंटू माइनस 20 कमन निलाम वाई प्लस 25 समान जीरो बा वाई प्लस 25 इंटू वाई प्लस 20 समान जीरो सॉरी वाई माइनस 20 समान जीरो वाई प्लस 25 समान जीरो मैं वाई समान हे माइनस 25 माइनस तो है ना वाई माइनस 20 समान जीरो अर्थात वाई समान हे 20 अर्थात जमिटिर प्रस्थ धरा हो वाई और दैर्घ्य धरा हो एक्स अर्थात प्रस्थ समान एक नम्बर समीकरण वाइर मानटा बसिए पाई एक नम्बर समीकरणे वाई समान 20 बसिए कि एक्स वाई समान छिलो आमादेर 500 बा एक्स समान 500 बाई 20 25 अर्थात एक्स समान होच्छे 25 अर्थात दैर्घ्य समान 25 मीटार दैर्घ्य समान 25 मीटार एवं प्रस्थ समान 20 मीटार एटा आमादेरके निर्णय करते बला हयेछिलो जमिटिर दैर्घ्य एवं प्रस्थ कत दैर्घ्य समान 25 मीटार प्रस्थ 20 मीटार आमरा चले जाबो परवर्ती अंके আমরা শুরু করব পরবর্তী অঙ্ক অর্থাৎ কি রেয়ানাদের আয়তক্ষেত্রাকার বাগানের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 14 মিটার এটা আয়তক্ষেত্রাকার বাগান আছে যার দৈর্ঘ্য 14 মিটার আর প্রস্থ বলা আছে 12 মিটার 12 মিটার প্রস্থ বাগানটির ভেতরের চারিদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করতে ভেতরের চারিদিকে একটি রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে সমান চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে প্রতি বর্গমিটারে 20 টাকা হিসেবে মোট 1380 টাকা খরচ হয়েছে অর্থাৎ রাস্তাটি কত চওড়া রাস্তাটা ধরে নেব আমরা x মিটার চওড়া তাহলে আয়তক্ষেত্রাকার জমিটির দৈর্ঘ্য আয়তক্ষেত্রাকার জমিটির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমাদের 14 মিটার আয়তক্ষেত্রাকার জমিটির প্রস্থ দেওয়া আছে আমাদের 12 মিটার তাহলে আয়তক্ষেত্রাকার জমিটির ক্ষেত্রফল কত হবে क्षेत्रफल दैर्घ्य गणित प्रस्थ 14 इंटू 12 वर्ग मीटार एरपर बोला आछे आमादेर एकटा समान चौड़ा रास्ता आमरा भेतरेर चारिदिके तैरि करछि 20 टाका हिसेबे मोट 1380 टाका खर्चा तो रास्ताटा कत चौड़ा अर्थात रास्तार क्षेत्रफल ताहले मोट कत खर्चा हयेछे रास्ताटिते रास्ताटी तैरि करते मोट खरच 1380 टाका प्रति वर्गमीटारे कत खर्च प्रति वर्गमीटार रास्ता तैरिते खरच 20 टाका करे आमादेर बोले देया आछे अर्थात रास्ताटार क्षेत्रफल ताहले आमरा किभाबे पाबो एटाके एटाते भाग करते पेয়ে যাব रास्तार क्षेत्रफल अतएव रास्ताटिर क्षेत्रफल समान 1380 डिवाइडेड बाई 20 एत वर्गमीटर अर्थात 69 वर्गमीटर रास्तार क्षेत्रफल। एरपर आमरा धरे नेब धरि रास्ताटी हच्छे एक्स मीटर चौड़ा, धरि रास्ताटी एक्स मीटर चौड़ा। रास्ता बादे आमादेर आयतक्षेत्रेर दैर्घ्य, रास्ता बादे आयतक्षेत्रेर दैर्घ्य समान कत होबे? छिलो आमादेर 14 माइनस 2x मीटार। रास्ता बादे आयतक्षेत्रेर प्रस्थ कत होबे? 12 मीटार छिलो, एदिके एक्स एदिके एक्स अर्थात 2x बियोग हो जाबे 2x मीटार। अर्थात रास्ता बादे क्षेत्रफल, रास्ता बादे क्षेत्रफल दैर्घ्य इंटू प्रस्थ 14 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x एत वर्गमीटार। ताहले आमादेर रास्ता निये क्षेत्रफल छिलो 14 इंटू 12 और रास्ता बादे क्षेत्रफल हच्छे गुण करब 14 इंटू 12 माइनस 12 × 24x माइनस 14 × 28x प्लस 2x स्क्वायर एत वर्गमीटार। रास्तार क्षेत्रफल कत होबे? अतएव रास्ताटिर क्षेत्रफल समान 14 × 12 माइनस 14 × 12 माइनस यदि आमरा जोग कर दी 52x प्लस 2x स्क्वायर एत वर्गमीटार। अर्थात 14 × 12 माइनस 14 × 12 प्लस 52x माइनस 2x स्क्वायर एत वर्गमीटार। हमारे केटे गेल छिलो 12टा शर्ते कि होबे 52 प्लस माइनस 2x स्क्वायर। हमारे रास्तार क्षेत्रफल बेरिएছিল 69 बा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 69 समान 0 बा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 69 समान 0। भांगते हबे 52 69 के सॉरी हमारे ये 14 × 12 2x × 2x अर्थात 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अर्थात एखे 4x स्क्वायर ताहले हमारे दाड़ाच्चे 2 × 2 और 3 × 23 अर्थात 4x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 6x 3 × 6 6x प्लस 69 समान 0 बा 2x कमन निलाम 2x माइनस 23 माइनस 3 कमन निलाम 2x माइनस 23 समान 0 बा 2x माइनस 23 × 2x माइनस 3 समान 0 बा 2x माइनस 23 समान 0 2x समान 23 x समान हे 23/2 11.5 अब 2x माइनस 3 समान 0 2x समान हे 3 x समान 3/2 समान 1.5। अर्थात एक्सर मान 11.5 तो मतलब होते पारे ना कारण दो दिक थेके जेते 11 टोटाल आछे 14 मीटार होते पारे ना ताहले आमार रास्ताटिर दैर्घ्य हे 1.5 मीटार। अर्थात रास्ताटिर दैर्घ्य अर्थात चौड़ा समान हो 1.5 मीटर चौड़ा। आंसर चले आसब परवर्ती अंके 1200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल विशिष्ट आयतक्षेत्र जमी दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर होले कर्णेर ऊपर अंकित वर्गक्षेत्रेर क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आयतक्षेत्र आयतक्षेत्रेर क्षेत्रफल देওয়া আছে 1200 वर्ग सेंटीमीटर दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर आयत क्षेत्राकार जमिटिर क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेमी आयताकार जमिटिर दैर्घ्य आमादेर देওয়া আছে दैर्घ्य समान 40 सेंटीमीटर। तब आयताकार जमिटिर प्रस्थ समान कत होबे? प्रस्थ समान क्षेत्रफल भाजित दैर्घ्य अर्थात 1200 भाजित 40 एत सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आमादेर होच्छे प्रस्थ अर्थात आयताकार जमिटिर प्रस्थ हलो 30 सेंटीमीटर। एरपर बोले जे आयताकार जे जमिटी आछे से आयताकार जमिटिर दैर्घ्य और प्रस्थ मध्य बेरिये दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर और प्रस्थ हे 30 सेंटीमीटर। तार कर्णेर दैर्घ्य आयताकार जमिर कर्णेर ऊपर अंकित वर्गक्षेत्रेर क्षेत्रफल अर्थात कर्णेर ऊपर जो वर्गक्षेत्रटा अंकन करी तार क्षेत्रफल आमादेरके निर्णय करते हबे। कर्णेर दैर्घ्य आगे निर्णय करब। आयत क्षेत्राकार जमिटिर कर्णेर दैर्घ्य कर्णेर दैर्घ्य है √12 अफ दैर्घ्य स्क्वायर प्लस प्रस्थ स्क्वायर अर्थात 40 तार होल स्क्वायर प्लस 30 तार होल स्क्वायर एत सेंटीमीटर। 1600 प्लस 900 सेंटीमीटर 2500 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर अर्थात कर्णेर दैर्घ्य हमारे 50 सेंटीमीटर। आयतक्षेत्र कर्णेर पर अंकित वर्गक्षेत्रेर क्षेत्रफल अतएव आयतक्षेत्रटिर कर्णेर ऊपर अंकित वर्गक्षेत्रेर क्षेत्रफल कत हबे? बाहु स्क्वायर एक बाहुर दैर्घ्य यदि 50 है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर अर्थात बाहु स्क्वायर 50 तार होल स्क्वायर एत वर्ग सेंटीमीटर पासपाशी 2500 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात आयतक्षेत्रे कर्णेर ऊपर अंकित वर्गक्षेत्रेर क्षेत्रफलटा कत दाঁড়াবে? 2500 वर्ग सेंटीमीटर। एरपर चले आसबो आमरा परवर्ती अंके। आमरा चले आसबो परवर्ती अंके। एकटी हलघरेर दैर्घ्य 4 मीटर प्रस्थ 6 मीटर एबं उच्चता 4 मीटर होले ঘরটিতে 3টি দরজা যা প্রত্যেকটির হচ্ছে 1.5 × 1 দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1.5 আর প্রস্থ হচ্ছে 1 মিটার। 4টি জানলা যে প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1.2 × 1 মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1.2 এবং প্রস্থ হচ্ছে 1 মিটার। 4 দেওয়ালে প্রতি বর্গমিটারে 70 টাকা হিসেবে রঙিন কাগজ দিয়ে ঢাকতে কত খরচা হবে? অর্থাৎ আমাদেরকে 4 দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা বার করতে হবে এবং তার থেকে 3টি দরজা আর 4টি জানালার ক্ষেত্রফল আমাদেরকে বাদ দিতে হবে। তো তাহলে ঘরটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ঘরটির দৈর্ঘ্য 4 মিটার ঘরটির প্রস্থ 6 মিটার ঘরটির উচ্চতা সমান 4 মিটার। আমরা তাহলে 4 দেওয়ালের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা দেখব। 4 দেওয়ালের ক্ষেত্রফল ঘরটির 4 দেওয়ালের ক্ষেত্রফল 4 দেওয়ালের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে 2 × দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ इंटू उच्चता अर्थात परिसीमा इंटू उच्चता अर्थात 2 × एखे दैर्घ्य 4 प्रस्थ हे 6 × उच्चता हे 4 एत वर्गमीटार 2 × 10 × 4 वर्गमीटार 80 वर्गमीटार होच्छे आमादेर 4 देयालेर क्षेत्रफल। दरजा जानाला समेत किन्तु दरजा ओ জানালা समेत 4 দেওয়ালের क्षेत्रफल। এরপরে বার করব আমরা দরজা 3টি দরজার क्षेत्रफल এবং 4টি জানালার क्षेत्रफल। 3টি দরজার क्षेत्रफल 1.5 × 1 হচ্ছে 1টি জানালা দরজা ইনটু 3 এত বর্গমিটার হচ্ছে 3টি দরজার क्षेत्रफल 4.5 वर्गमीटार और প্রতিটি জানালার ক্ষেত্রফল হচ্ছে 1.2 × 1 অর্থাৎ 4টি মোট জানালা আছে 4টি জানালার মোট ক্ষেত্রফল জানালার মোট ক্ষেত্রফল 1.2 × 1 হচ্ছে 1টি জানালার ক্ষেত্রফল ইনটু 4 এত বর্গমিটার 4.8 वर्गमीटार অর্থাৎ 3টি দরজা জানালার মোট ক্ষেত্রফল আমরা বার করব। दरजा और জানালার মোট क्षेत्रफल 4.5 प्लस 4.8 तो वर्ग मीटर 9.3 वर्ग मीटर। एरपर आमरा कि बार करब दरजा जानाला बादे चार देवालेर क्षेत्रफल। दरजा और जानाला बादे चार देवालेर क्षेत्रफल हमारे दरजा जानला समेत छिलो 80 वर्ग मीटर तार थेके 9.3 वियोग जाबे एत वर्ग मीटर 70.7 वर्ग मीटर होच्छे दरजा जानला बादेर क्षेत्रफल। ताहले आमादेर चार देयाले मोट कत खर्चा होबे रंगीन कागज दिये ढाकते प्रति वर्ग मीटारे खर्चा होच्छे 40 टाका सरि 70 प्रति वर्ग मीटारे खर्चा होच्छे 70 टाका। चार देवाल रंगीन कागज दिए ढाकते खरच होबे एक वर्ग मीटारे खर्चा 70 टाका। आमार मोट ढाकते होबे दरजा जानाला बादे आमार क्षेत्र पड़ेछे 70.7 वर्ग मीटार माने एत टाका खर्चा होबे। चार हज़ार 949 टाका एत टाका आमार खर्चा होबे। अर्थात चार देवाल दरजा जानला बादे चार देवालटा आमार रंगीन कागज दिये ढाकते खर्चा होबे 4949 টাকা। আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অঙ্ক আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব।